सत्या ने क्यों की सई के साथ जवान निवास जाने की जिद। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्या सई को लेकर गया है जवान निवास? किस बात को लेकर वो खफा है? क्यों उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है? क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल सत्या इस बात को हमेशा से जानता था कि उसकी और सई की शादी एक समझौते की शादी है, लेकिन इसके बावजूद वो सई से प्यार कर बैठा। यहाँ पर एक तरफ जहाँ सई विराट से अपने प्यार का इजहार करने की सोच रही थी, वो सोच रही थी कि वो बता देगी विराट को कि वो आज भी उसी से प्यार करती है, वहीं दूसरी तरफ सत्या ने सई से प्यार का इजहार कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विराट जो सत्या से मिलने आया था, सत्या ने उसकी भी इंसल्ट कर दी। लेकिन विराट की जिस तरीके से बेइज्जती की सत्या ने, सई से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सत्या को साफ साफ बता दिया कि वो आज भी विराट से प्यार करती है। उसने ये साफ कहा कि अगर वो उस पर विश्वास नहीं करता तो वो ये बात अश्वनी ताई से पूछ ले कि किस तरीके से उनके कहने पर उसने शादी की थी। तो एक बात तो तय है कि अब सत्या को सई की बातों पर विश्वास नहीं था और इसीलिए वो पहुंच गया है सीधा चव्हाण निवास, जहां पर अश्वनी ताई से वो इस बात का सच जानने के लिए पहुंचा। अश्वनी ताई ने भी हाथ जोड़कर सत्या से माफ़ी मांगी और साफ बताया कि आखिरकार उन्होंने क्यों सई की शादी कराई थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ, सई झूठ नहीं बोल रही, इन सारी चीज़ों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैंने ही इसे मजबूर किया था दूसरी शादी करने के लिए, ये तो आज भी विराट से ही प्यार करती है। तो एक बात तो तय है कि अब सत्या काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ है सई से और सई को लेकर पहुंचा है चव्हाण निवास। लेकिन चव्हाण निवास जाते ही बहुत सारी सच्चाइयां उसके सामने आ गई हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि अब सत्या अपने प्यार को कुर्बान कर देगा और वो सई और विराट को एक कर देगा? आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।